उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मुतअद्दिद शख्सियात इस्लाम की खातिर इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, जिनमें से कुछ बिल्कुल स्क्रीन से गायब हैं जबकि कुछ बहुत कम मगर शोबिज़ के किसी न किसी शोबे के साथ जुड़े हुए हैं। दीन की तालीमात पर अमल करते हुए शोबिज़ छोड़ने वाले खुशनसीब फनकार कौन से हैं, आज की वीडियो में हम इन्हीं के मुतालिक बात करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राबी पीरजादा की। 2019 में गुलुकारा राबी पीरजादा की चंद नाजेबा तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी, जिसके बाद राबी पीरजादा ने अपने एक ट्विटर पैगाम में इस बात का ऐलान किया था कि वो शोबिज इंडस्ट्री छोड़ रही है। शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने के बाद राबी पीरजादा खत्ताती और पेंटिंग्स करती हैं और एक एनजीओ भी चला रही हैं। हाल ही में राबी पीरजादा की बनाई हुई मरियम नवाज की पेंटिंग 1.5 लाख में फरोख्त हुई। ताहम राबी पीरजादा ने इंकिशाफ किया कि इनकी आज तक की सेल होने वाली महंगी तरीन पेंटिंग इमरान खान का पोर्ट्रेट था। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं नूर बुखारी का। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नूर बुखारी ने 2017 में ऐलान किया था कि वह शोबिज इंडस्ट्री छोड़ रही है। इनका कहना था कि वो अब ना किसी फिल्म में नजर आएंगी और ना ही किसी ड्रामे में। वो अब जिंदगी का हकीकी मकसद समझने की कोशिश करेंगी। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हैं कि अल्लाह ताला ने इनको मुंतखब किया है ताकि वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं शाजिया खुश के बारे में। लाल मेरी पत और दाने पे दाना जैसे ला तादाद मशहूर गीत गाने वाली गुलुकारा शाजिया खुश ने 2019 में शोबिज छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने अपने मदाहों का शुक्रिया भी अदा किया। शाजिया खुश ने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि वो चाहती हैं कि अब वो अपनी तमाम जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक और इस्लाम की खिदमत में गुजारे। नाज़रीन ग्रामी, अजब गुल भी उन अदाकारों में शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिज को छोड़ दिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और हिदायतकार अजब गुल ने भी शोबिज को इस्लाम की खातिर बाय बाय कहा था। माजी में बड़े पर्दे पर नजर आने के बाद अजब गुल ने खामोशी से शोबिज इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और फिर इस्लाम की तबलीग की जानिब गामजन हो गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं हमजा अली अब्बासी की। मारूफ पाकिस्तानी अदाकार, साबिक एंकर पर्सन और सियासतदान हमजा अली अब्बासी ने 2020 में अपने एक वीडियो पैगाम में अदाकारी से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि अब वो अल्लाह ताला और इस्लाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था कि वो हिदायतकारी की जानिब आएंगे और ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे जिनमें हुब्बुल वतनी और रूहानियत का जिक्र हो। नाज़रीन ग्रामी, फिरोज खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में खूब नाम कमाने वाले अदाकार फिरोज खान ने साल 2021 में शोबिज से किनारा कशी का ऐलान किया था। इनका कहना था कि वो अब अपनी जात और रूहानियत पर तवज्जो देना चाहते हैं। इस ऐलान के बाद से फिरोज खान अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पहले से भी ज्यादा खुलकर सियासत और इस्लाम से मुतल्लिक बात करते नजर आते हैं। 2021 के बाद भी फिरोज खान के कुछ ड्रामा सीरियल नशर हुए हैं। फिरोज खान से मुतल्लिक ये ताहाल वाजे नहीं है कि आया वो शोबिज में रहना चाहते हैं या मुकम्मल तौर पर शोबिज छोड़ चुके हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं सनम चौधरी के बारे में। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की मकबूल तरीन अदाकारा सनम चौधरी ने 2021 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तमाम तस्वीरें डिलीट करते हुए शोबिज को खैरबाद कहने का ऐलान किया। उस वक्त सनम चौधरी शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी। इस ऐलान के बाद से सनम चौधरी को सिर्फ इस्लामिक शोज में देखा गया। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनों हजरात, अब जिक्र करते हैं ज़रनिश खान का। हाल ही में उम्रा करने वाली खूबरू टीवी एक्ट्रेस ज़रनिश खान ने अपने इंस्टाग्राम पर काबा के सामने खड़े होने की तस्वीर शेयर की और साथ ही तवील कैप्शन में आगाह किया कि दुनिया के मामलात हम सबको जिंदगी गुजारने के हकीकी मकसद से किस तरह हटाते हैं। अदाकारा ने बाद में खाना काबा के सामने वाली तस्वीर के अलावा अपनी तमाम तस्वीर को इंस्टाग्राम से हटा दिया है। इस पोस्ट में इन्होंने बाकायदा तौर पर शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इनका समाजी वक्फा इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो इंडस्ट्री छोड़ने का इरादा कर चुकी है। प्यारे साथियों, मारूफ गुलुकार जुनेद जमशेद के नाम से तो सभी वाकिफ हैं। जुनेद जमशेद पाकिस्तान के मारूफ पॉप म्यूजिकल आइकॉन थे। इनके दिल में मोहब्बत इलाही ने डेरे डाले तो इन्होंने अपने म्यूजिक कैरियर को बुलंदियों में ही छोड़ दिया। इन्होंने अपनी तमाम खुदादाद सलाहियतों और अपने प्लेटफार्म को इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए वक्फ कर दिया।
जुनेद जमशेद ने इशात इस्लाम की खातिर कई नातें भी पढ़ी। जुनेद जमशेद अपनी अहलिया समेत एक जहाज हादसे में खालके हकीकी से जा मिले थे। उर्दू कवर के प्यारे साथियों, अब आपको सारा चौधरी के बारे में बताते चले। सारा चौधरी छोटी उम्र से ही शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई थी। साल 2000 के आगाज से लेकर साल 2010 तक सारा चौधरी पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन पर छाई रही। अदाकारी छोड़ने का फैसला करने से पहले वो कामयाब और मारूफ तरीन अदाकारा थी। इनका भी शोबिज छोड़ने का ऐलान करते हुए कहना था कि इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किसी के दबाव की वजह से नहीं किया, बल्कि अहकामे इलाही पर अमल करते हुए किया है। दोस्तों, अब आपको अरूज नासिर के बारे में भी बताते हैं। शोबिज इंडस्ट्री में बतौर मॉडल, अदाकारा और टीवी मेजबान नाम कमाने वाली अरूज नासिर ने मजहबी रास्ता इख्तियार करने के बाद इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया। अब अरूज नासिर इस्लामी तालीमात पर अमल करने समेत कपड़ों का मारूफ ब्रांड चलाती हैं, जो हिजाब और अबाया का बहुत ही फेमस ब्रांड है। दोस्तों, फिल्म स्टार नरगिस भी दीने इस्लाम की खातिर शोबिज छोड़ चुकी है। फिल्म और स्टेज अदाकारा नरगिस ने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान 2019 में किया था। 1993 से 2018 तक 104 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा नरगिस ने अपने एक बयान में कहा कि वह अब शोबिज इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर रही हैं। नरगिस ने अपने बयान में अपने मुस्तकबिल की मसरूफियात के बारे में बताते हुए कहा कि वह अब सिर्फ अल्लाह की राह में फलाह बहबूद के काम करेंगी। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप अनम फयाज को जानते हैं? अनम फयाज ने 2010 के बाद मॉडलिंग से कैरियर का आगाज किया था और जल्द ही इन्होंने अदाकारी में कदम रखा। अनम फयाज ने 2011 में अहमद हबीब की बेटियां नामी ड्रामे से अदाकारी का आगाज किया। अनम ने कैरियर के अरूज पर 2016 में असद अनवर से सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का में शादी की। अब इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए मुस्तकिल बुनियादों पर शोबिज को छोड़कर इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का ऐलान कर दिया है। प्यारे साथियों, आखिर में बात करते हैं अब्दुल्ला कुरैशी की। गुलुकार अब्दुल्ला कुरैशी ने साल 2022 में उम्रे की सआदत हासिल करने से कबल गुलुकारी छोड़ने का ऐलान किया था। अब्दुल्ला कुरैशी का कहना है कि मेरे नजदीक जिंदगी का असल मकसद इससे कहीं बढ़कर है। अपनी अगली जिंदगी संवारने के लिए हम सब के पास इस दुनिया में बहुत कम वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने फैसले से मुतमिन हूँ और बेहतरी की राह पर गामजन होते हुए सच को खोज रहा हूँ। दुआ है कि यह नया सफर अल्लाह मेरे लिए आसान करे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।